अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है बेटा। आज जो है वो हमने प्रीवियस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वाइज को डिस्कस किया था। आज जो हमारे पास है वो लास्ट टेंस है, वो क्या है मेरे बेटे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ज़रा जहन में रख लीजिएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को आज हमने डिस्कस करना है मेरे बेटे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने पीछे जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल किया था और थर्ड फॉर्म यूज़ की थी। तो मेरे पैसिव वॉइस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ की थी। तो मेरे बेटे आज जो है वो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में नंबर एक तो बात माइंड रखनी है, ता रहा होगा सिंपल वर्ड में, ते रहे होंगे, ते रहे होंगे और मेरे बेटे ती रही होगी, सिंपल वर्ड में ये जहन रखना है। और इसी तरह हमने डिस्कस किया था अगर सुबह से या दो घंटे से आ जाए, फिर हमने यानी कि वक़्त और मुद्दत को शो किया जो शो किया जाए तयन को, तो उसके लिए हम जो है फ़िक्र के आखिर में क्या यूज़ करेंगे? रहा होगा, रह होंगे और रही होगी। तो मेरे बेटे इसके लिए आपको पता है हमने क्या यूज़ करना है मेरे बेटे? विल हैव बिन, हमारे पास जो हेल्पिंग वो यूज़ होंगे उसमें मेरे बेटे क्या यूज़ होंगे? विल हैव बिन और मेरे बेटे विल हैव बिन और प्लस मेरे बेटे शैल हैव बिन। विल हैव बिन और शैल हैव बिन के साथ मेरे बेटे वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और साथ किस चीज़ का इजाफा करेंगे? आई एन जी का। तो विल हैव बिन और शैल हैव बिन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ज़रा देखिएगा मेरे बेटे, हमारे पास सेंटेंस सपोज करें अली खत लिखता रहा होगा। अब हमारे पास ता रहा होगा आ गया, इसका मतलब है दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अली विल हैव बिन, अली विल हैव बिन राइटिंग अ लेटर, अली विल हैव बिन राइटिंग अ लेटर, अली विल नॉट हैव बिन राइटिंग अ लेटर। तो ता रहा होगा, एक मिनट बेटे, किसकी पहचान है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। समझ आ गई मेरे बेटे? अब ज़रा देखिए आगे मेरे बेटे, अब यहाँ देखिएगा कि हमारे पास अगर अब यहाँ हमारे पास यहाँ तो सिंपल हमें नज़र आ रहा है कि ता रहा होगा है, अगर हमारे पास ये आ जाए सुबह से बारिश हो रही होगी, सुबह से बारिश हो रही होगी। अब यहाँ हमारे पास क्या यूज़ करेंगे? इट विल हैव बीन रेनिंग, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ज़रा देखिएगा, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से आ गया। अब ये ऐसे ही है तो फिर आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आगे, उसके लिए विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, साथ किस चीज़ का इजाफा, आई एन जी का इजाफा करेंगे। तो इसी तरह मेरे बेटे मैं सपोज़ इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, वो दो घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा होगा। ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ही विल वे फॉर टू आवर्स, फॉर टू आवर्स, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर टू आवर्स। तो मेरे बेटे यहाँ हमारे पास दो घंटे से सुबह से फिर फिक्र के आखिर में रहा होगा हमने यूज़ करना है। अगर मेरे बेटे हमारे पास कौन का वर्ड आ जाए, कौन का वर्ड आ जाए, तो हमारे पास सेंटेंस सपोज करो कौन शोर मचाता रहा होगा। अब हमारे पास ता रहा होगा, ते रहे होंगे आ गए, तो इसके मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? हु विल हैव बीन, हु विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइस, हु विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइस, हु विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइस, इसके सवाल ये नहीं बनेगा क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो सवाल फिक्र को शो करता है। तो मेरे बेटे हु आ जाए, आपको पता है हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, हु आ जाए, व्हाट आ जाए, व्हेन आ जाए, वेयर आ जाए, तो ये ऑलरेडी जो है वो सवाल फिक्र को शो, वो क्यों शोर मचाते रहे होंगे, वो क्यों शोर मचाते रहे होंगे। देखे मेरे बेटे, मचाते रहे होंगे, वाई विल
why will have they been making a noise? तो मेरे बेटे हमारे पास why वाला आ गया है, क्यों है, why will have they been, तो वो हु वाला है बेटा, ये ऑलरेडी शो ही इंट्रोगेटिव को करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था हु व्हाट व्हेन व्हाई वेयर जो है ये शो ही सवाल फिक्र करते हैं, इनका सवाल ये जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो डब्ल्यू एच वाली फैमिली में से हु आ जाए, व्हाट आ जाए, व्हेन आ जाए, व्हाई आ जाए, वेयर आ जाए, हाउ आ जाए, ये ऑलरेडी जो है वो इंट्रोगेटिव को शो करते हैं। ये हमारे पास था मेरे बेटे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फिक्र के आखिर में ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होगी यूज़ होगा, अगर सुबह से आ जाए या दो घंटे से आ जाए, फिर फिक्र के आखिर में सुबह से है, फिर आखिर में रहा होगा यूज़ होगा, रही होगा, रहे होंगे, अगर दो घंटे से है फिर भी यही होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इस तरह हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल हैव बीन और शैल हैव बीन, विल हैव बीन ही शी इट हु कोई नेम है तो विल हैव बीन, आई वी है तो इसके साथ शैल हैव बीन। तो आज हमारे जो है वो टेंस जो है वो ख़त्म हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम इसकी रिवीजन भी करेंगे तो इंशाल्लाह कल से हम बुक स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।